हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स देखे थे. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट थ्योरम, इन एनी मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी द यूनियन ऑफ ऑल आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन. सो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला है कि मैट्रिक्स स्पेस में अगर हम यूनियन लेंगे ओपन सेट का, मतलब वो क्या रहे, कैसा रहेगा, अपना आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन रहेगा एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन सेट का यूनियन ले रहे हैं लेकिन जो ओपन सेट है कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट रह सकते हैं क्यों, फाइनाइट भी रह सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा. लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तभी वो फाइनाइट मतलब ओपन आएगा, इनफाइनाइट के बारे में हम यहाँ पे नहीं कह सकते. सो ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ ऑल आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन. सो लेट अस सी द प्रूफ. सपोज लेट जी अल्फा बी एन आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इन एक्स कॉमा डी. सो यहाँ पे देखिए, लेट जी अल्फा बी आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इन एक्स कॉमा डी, दिस इज द फर्स्ट प्रूफ. ठीक है, सिंस जी अल्फा इज ओपन सेट देन there exist open sphere SR alpha of VX such that SR alpha of VX is a subset of G alpha. So यहाँ पे देखिए, G alpha को क्या हमने बोला है, open set बोला है, तो वहाँ पे एक open sphere मिलना चाहिए हमको, such that SR of alpha of VX इज अ सबसेट ऑफ जी ऑफ अल्फा फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू जी अल्फा. मतलब जी अल्फा के सारे एलिमेंट्स के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, ओपन स्पेयर मिलना चाहिए जो कि सबसेट रहेगा जी अल्फा का. देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज द ओपन सेट. नाउ लेट जी इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल जी अल्फा बी द यूनियन ऑफ आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट. सो यहाँ पे देखिए, हमने कैपिटल जी का क्या लिया है, यूनियन ऑफ ऑल जी अल्फा. सो जी को हमने क्या बोला है, यूनियन ऑफ जी अल्फा बोला है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन सेट प्रूव करना है. सो ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्लेम क्या है, क्लेम जी इज ओपन सेट. सो जी को हमें क्या प्रूव करना है, ओपन सेट प्रूव करना है. सो यहाँ पे देखिए, इफ जी इक्वल्स टू फाइव देन क्लियरली जी इज ओपन. सो यहाँ पे देखिए, अगर जी अगर एम्प्टी सेट रहेगा, सो क्लियरली वी कैन से दैट जी इज अ ओपन सेट बिकॉज वी नो दैट द एम्प्टी सेट इज ओपन सेट. सो ठीक है, सो नाउ इफ G is not equals to 5, मतलब अगर G non empty रहेगा then we have to prove that G is open. So यहाँ पे देखिए, G को हमें क्या करना है, open set prove करना है. ठीक है, so G को open set prove करने के लिए हमें क्या prove करना पड़ेगा, कि G के जो सारे elements है उसका क्या होना चाहिए, open sphere exist होना चाहिए, जो कि क्या contain होना चाहिए, totally G में contain होना चाहिए, then we can say that G is a open set. So ठीक है, so now let X be एनी एलिमेंट ऑफ जी. सो यहाँ पे देखिए, जी को हमने क्या लिया था, नॉन एम्प्टी लिया था, नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया है, तो नॉन एम्प्टी है मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट यक्स एग्जिस्ट करेगा इन दी सेट जी. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम अल्फा वन such that X belongs to something G alpha 1.
सो देखिए यहाँ पे क्या लिया था, सो ध्यान, यहाँ पे देखिए जी का क्या लिया था, जी अल्फा का जो यूनियन है वो हमने क्या लिया था, जी लिया था, ठीक है। सो जी में जो एलिमेंट है हमने कंसिडर किया, लेट यक्स बी एनी एलिमेंट इन जी, सो ठीक है। सो यक्स जो एलिमेंट है वो जी में है, मतलब वो किसी तो भी जी अल्फा का भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जी मतलब क्या आ रहा है, यूनियन ऑफ ऑल जी अल्फा, ठीक है। और यक्स एलिमेंट कहाँ से मिल रहा है हमको, जी में से मिल रहा है, मतलब यक्स एलिमेंट किसी भी जी अल्फा वन में जा सकता है, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट एंड ओपन स्पीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो विथ सेंटर यक्स सच दैट एस आर ऑफ यक्स इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा वन विच इम्प्लाइज एस आर ऑफ यक्स इज अ सबसेट ऑफ जी। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या किया था, जो एलिमेंट है यक्स वो कहाँ में मिला, में जी में मिला, मतलब वो किसी जी अल्फा वन में जाएगा, ठीक है, बिकॉज जी इज अ यूनियन ऑफ ऑल जी अल्फा, ठीक है। एंड वी नो दैट जी अल्फा वन इज अ ओपन सेट, सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पीयर ऑफ समथिंग रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो विथ सेंटर एट यक्स सच दैट ओपन स्पीयर इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा, मतलब ये जो स्पीयर है ओपन स्पीयर जी अल्फा वन का सबसेट है, सो क्लियरली वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ जी, बिकॉज जी अल्फा के सारे एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे हमें, जी में भी मिलेंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एंड ओपन स्पीयर of radius r greater than 0 with center at x contained in g, therefore g is open set। मतलब क्या हो रहा है, यक्स के लिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक ओपन स्पीयर मिल रहा है ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट यक्स सच दैट एस आर ऑफ यक्स इज अ सबसेट ऑफ जी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक ओपन स्पीयर मिल रहा है हमको जो कि टोटली कंटेंट हो रहा है जी में, मतलब ये क्या हो गया, यक्स के सारे, मतलब यक्स का क्या यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, नेबरहुड, ठीक है, मतलब जी के सारे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेबरहुड एग्जिस्ट हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट जी इज अ ओपन सेट विच इम्प्लाइज यूनियन ऑफ जी अल्फा इज एन ओपन सेट विच इम्प्लाइज आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, मतलब यहाँ पे देखिए जो ओपन सेट का हमने यूनियन लिया था कैसा लिया था, आर्बिटरी लिया था, सो देयरफॉर वी कैन से दैट यूनियन ऑफ ऑल आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर थेरम। तो अभी हम क्या करेंगे, थेरम का सेकेंड प्रूफ करेंगे, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सो फॉर सेकेंड पार्ट लेट अस कंसिडर g1, g2, g3 अप टू gn बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। सो यहाँ पे देखिए हमें सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव कर रहा था, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, g1, g2 अप टू gn ये क्या लिया है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। कहाँ से लिए ये ओपन सेट, इन अ मैट्रिक्स स्पेस x, d, इन अ मैट्रिक्स स्पेस x, d। सो यहाँ पे क्या लिया है हमने, सारे जो मैट्रिक्स स्पेस के ओपन सेट है उसका हमने क्या लिया है, सब फाइनाइट ओपन सेट का यहाँ पे हमने क्या लिया है, सेट लिया हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट जी अल्फा इज एन ओपन सेट फॉर अल्फा इक्वल्स टू 1, 2 अप टू n, मतलब ये जो सारे सेट है कैसे है अपने, ओपन सेट है, सच दैट देयरफॉर वी कैन से दैट एस आर ऑफ यक्स इज अ सबसेट ऑफ समथिंग जी अल्फा, ठीक है। मतलब देखिए जी अल्फा क्या है, अपना ओपन सेट है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ओपन स्पीयर एग्जिस्ट होगा सच दैट एस आर ऑफ यक्स इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू जी अल्फा,
मतलब जो सेट है ओपन सेट, उसके सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक ओपन स्पीयर मिल रहा है जो कि सबसेट है जी ऑफ अल्फा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एस आर ऑफ एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट इन दी सेट जी अल्फा. ठीक है, नाउ लेट जी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन जी अल्फा आई इक्वल्स टू 1 to n. मतलब ये क्या हो गया, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन GN. सो हमने कैपिटल G का क्या लिया है, ये जो सारे ओपन सेट लिए उसका हमने यहाँ पे क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया है. ठीक है, बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी ओपन सेट्स. ठीक है, सो सारे ओपन सेट का इंटरसेक्शन हमने क्या लिया है, कैपिटल जी लिया है. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, जी को हमें ओपन सेट प्रूव करना है. सो व्हाट इज आवर क्लेम, सो क्लेम इज जी इज ओपन सेट. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जी को ओपन सेट प्रूव करना है. सो ठीक है, सो यहाँ पे देखिए केस वन, इफ जी इक्वल्स टू 5 देन clearly we can say that G is open because we know that the empty set is open. अगर G अगर क्या रहेगा empty हो गया then we can say that clearly G is a open set. Now case 2, और अगर G non empty रहेगा then we have to show that that set should be open set. तो यहाँ पे देखिए जी को हमें ओपन प्रूव करने के लिए जी के सारे जो एलिमेंट्स है उसका हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे ओपन स्पीयर मिलना चाहिए. ठीक है, सो नाउ लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ईच जी अल्फा. सो यहाँ पे देखिए ये जो यक्स एलिमेंट है कहाँ से आ रहा है, इंटरसेक्शन में से आ रहा है. ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या रहेगा कि ये जो सारे ओपन सेट लिए उस सारे एलिमेंट्स में जी कैसा रहेगा, कॉमन एलिमेंट रहेगा. मतलब यक्स अगर जी में है तो यक्स मतलब क्या रहेगा, ये सारे जो आपने ओपन सेट लिए है G1 G2 GN उस सारे एलिमेंट्स में क्या रहेगा, उस सारे सेट में भी क्या रहेगा, यक्स हाँ पॉइंट जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट यक्स बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग्स टू ईच जी अल्फा. Since each G alpha is an open set, therefore there exist Ri greater than 0 such that Sri of X is a subset of G alpha. This is equation 1. सो यहाँ पे देखिए यक्स क्या जा रहा है, सारे जी अल्फा में जा रहा है एंड वी नो दैट इच जी अल्फा इज एन ओपन सेट. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम आर आई ग्रेटर देन 0 सच दैट यस आर आई ऑफ यक्स इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा. दिस इज द इक्वेशन नंबर. सो यहाँ पे देखिए जो एक्स एलिमेंट है वो कहाँ रहेगा, G1 में भी मिलेगा, G2 में भी मिलेगा, G3 में भी मिलेगा और GN में भी मिलेगा. ठीक है, और जो सारे G1 G2 अप टू GN क्या है, सारे ओपन सेट है. मतलब वो सारे ओपन सेट में X के लिए हमें क्या मिलेगा, एक नेबरहुड मिलेगा. वो नेबरहुड हमने लिया है यस आर आई ऑफ यक्स. मतलब G1 में कौन सा नेबरहुड मिलेगा, यस आर वन ऑफ यक्स. ठीक है, G2 में कौन सा मिलेगा, यस आर टू ऑफ यक्स एंड सो ऑन. GN में कौन सा नेबरहुड मिलेगा फॉर यक्स, दैट इज यस आर एन ऑफ यक्स. ठीक है, ऐसे सारे क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पे ओपन स्पीयर मिलेंगे फॉर यक्स विच इज सबसेट ऑफ क्या रहेगा, जी अल्फा. मतलब ये कैसा रहेगा, सबसेट ऑफ G1 मिलेगा, दिस इज अ सबसेट ऑफ G2, दिस इज अ सबसेट ऑफ GN. ठीक है, सो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, यक्स के लिए हमें ओपन सेट मिल रहा है, ओपन स्पीयर मिल रहे हैं विच इज कंटेन इन दी ओपन सेट G1 G2 up to GN. ठीक है, सो नाउ लेट R इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 up to Rn. सो स्मॉल r हमने क्या लिया है, ये जो सारे रेडियस है R1 R2 R3 up to Rn उसका हमने क्या किया है, मिनिमम कंसिडर किया है. देयर फोर देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट वी कैन से दैट SR of x इज अ सबसेट ऑफ SRI of x
फॉर ईच आई. समझ रहे हैं यहाँ पे क्या किया है? सो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, ये जो सारे ओपन स्पीयर है उसके रेडियस का हमने मिनिमम लिया आर. सो इस रेडियस का भी हमें एक ओपन स्पीयर मिलना चाहिए. कहाँ पे मिलेगा ये ओपन स्पीयर? इन दी जी, कैपिटल जी में मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर, ये इसके ये जो है आर, ये क्या है, इन सब का मिनिमम है. मतलब आर आई से ये कैसा रहेगा, छोटा रहेगा. मतलब इसीलिए ये ओपन स्पीयर क्या रहेगा, इसका सबसेट मिलेगा. ठीक है, बिकॉज आर जो है वो क्या है, आर आई से छोटा आ रहा है. मतलब ये जो ओपन स्पीयर है ये कैसा रहेगा, यस आर आई ऑफ एक्स का कैसा मिलेगा, हमें सबसेट मिलेगा. सो इसको हम दे सकते नंबर टू. सो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट. सो देखिए इक्वेशन वन में क्या बोला था, यस आर आई ऑफ इज द सबसेट ऑफ जी अल्फा. एंड सेकेंड में क्या बोला, यस आर ऑफ एक्स इज द सबसेट ऑफ यस आर ऑफ आई. सो कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट यस आर ऑफ एक्स इज द सबसेट ऑफ यस आर आई ऑफ एक्स, विच इज अ सबसेट ऑफ क्या हो गया, जी अल्फा, विच इम्प्लाइज यस आर ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा. ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा, विच ऑल्सो इम्प्लाइज यस आर ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जी अल्फा. तो यहाँ पे देखिए ये जो ओपन स्पीयर है वो सारे जी अल्फा में भी जा रहा है. ठीक है, अगर वो सारे जी अल्फा में जाएगा मतलब ये जो ओपन स्पीयर है उसके इंटरसेक्शन में भी जाएगा. देयरफॉर वी कैन से दैट यस आर ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जी अल्फा. और इंटरसेक्शन रन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम वन टू यन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, जो ओपन सेट है वो सारे कैसे लिए हमने, फाइनाइट लिए. सो देयरफॉर इसका इंटरसेक्शन भी कैसा रहेगा, फाइनाइट रहेगा. विच इम्प्लाइज यस आर ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल जी, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ जी अल्फा को हमने क्या बोला था, कैपिटल जी बोला था. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यक्स के लिए हमें एक ओपन स्पीयर मिल रहा है यस आर ऑफ एक्स, विच कंटेंट इन क्या हो रहा है, जी में आ रहा है. विच इम्प्लाइज जी इज एन ओपन सेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यक्स के जो यक्स मतलब क्या हो गया, आपने जी के सारे एलिमेंट्स के लिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ओपन स्पीयर मिल रहा है. सो देयर फॉर एवरी ओपन स्पीयर इज अ नेबरहुड. सो देयर फॉर वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट हैज इट्स नेबरहुड कंटेंट इन जी. सो देयर फॉर वी कैन से दैट जी इज एन ओपन सेट. हेंस वी कैन से दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन. सो इस थ्योरम में हमें क्या देखा कि यूनियन ऑफ आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट कैसा रहेगा, ओपन रहेगा. एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी. सो हेंस वी कैन से दैट द थ्योरम इज प्रूव्ड. सो हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट डेफिनेशन, अधिरण पॉइंट. लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी. अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड एज अधिरण पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन स्पीयर सेंटर्ड एट ए कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए. सो यहाँ पे देखिए अधिरण पॉइंट कब बोलेंगे हम किसी पॉइंट को, अगर कोई पॉइंट अपना कैसा रहेगा, ए बिलोंग्स टू मेट्रिक स्पेस रहेगा, सो उसको हम अधिरण पॉइंट कब बोलेंगे, इफ एवरी ओपन स्पीयर सेंटर्ड एट ए कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ कैपिटल ए. मतलब क्या होना चाहिए कि ओपन स्पीयर जो रहेगा ए का, उसमें जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, कैपिटल ए. मतलब किसी भी सबसेट के, मेट्रिक स्पेस के सबसेट के सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उस ओपन स्पीयर में होने चाहिए. देन वी कैन से दैट दैट ए पॉइंट शुड बी अधिरण पॉइंट. सो हियर नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ अधिरण पॉइंट. सो यहाँ पे देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ अधिरण पॉइंट. सो अधिरण पॉइंट के हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, दो टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट वन इज अ आइसोलेटेड पॉइंट्स एंड सेकेंड वन इज लिमिट पॉइंट. सो देखिए अधिरण पॉइंट के टू टाइप्स है, फर्स्ट वन इज अ आइसोलेटेड पॉइंट एंड सेकेंड वन इज अ लिमिट पॉइंट. सो यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड पॉइंट, एंड अधिरण पॉइंट ए ऑफ सबसेट ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड पॉइंट इफ एवरी ओपन स्पीयर सेंटर्ड एट ए कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन इट्सेल्फ. सो देखिए अधिरण पॉइंट है अपना ए, उसको हम क्या कब आइसोलेटेड कब बोलेंगे, कब बोलेंगे जब ओपन स्पीयर में उसका एक भी पॉइंट नहीं रहेगा अदर देन इट्सेल्फ. मतलब उस ओपन स्पीयर में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट रहना चाहिए, दैट इज
स्मॉल है उसको छोड़ के एक का दूसरा कोई भी पॉइंट अगर उस ओपन स्पेयर में नहीं रहा देन वी कैन से दैट ए इज़ अ आइसोलेटेड पॉइंट. ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ लिमिट पॉइंट. एन अधिरंड पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए ऑफ यक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एवरी ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट ए कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन यक्स. सो देखिए, किसी भी अधिरंड पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, जब ओपन स्पेयर मिलेगा अपने को, ओपन स्पीयर सेंटर्ड एट स्मॉल ए कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन स्मॉल ए. मतलब यह क्या होना चाहिए कि इस ओपन स्पीयर में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहना चाहिए जो कि कहाँ से मिलना चाहिए हमको, कैपिटल ए से अदर देन एक्स. मतलब कम से कम उस ओपन स्पीयर में एक एलिमेंट रहना चाहिए कैपिटल ए से अदर देन ए. मतलब कम से कम एक रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर चल जाएंगे. ठीक है, सो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट. सो यहाँ पर देखिए, अधिरंड पॉइंट मतलब क्या होना चाहिए, अधिरंड पॉइंट मतलब ओपन स्पीयर मिलना चाहिए हमको वहाँ पे, सच दैट ओपन स्पीयर सेंटर एट ए कंटेंस पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए. ठीक है, मतलब सेट के सारे पॉइंट अगर उस ओपन स्पीयर में रहे तो हम उसको ए को क्या बोलेंगे, अधिरंड पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, आइसोलेटेड पॉइंट. सो आइसोलेटेड पॉइंट में क्या रहेगा कि ओपन स्पीयर में एक भी पॉइंट नहीं चाहिए अपने को ऑफ सेट ए अदर देन स्मॉल ए. ठीक है, मतलब उस ओपन स्पेयर में सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा जो कि क्या रहेगा, स्मॉल ए, विच इज़ दी सेंटर ऑफ ओपन स्पेयर. देन वी कैन से दैट ए इज़ अ आइसोलेटेड पॉइंट. आइसोलेटेड मतलब वो अकेला ही है उसमें, उसके साथ दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेटेड पॉइंट. नाउ इज अ लिमिट पॉइंट. सो लिमिट पॉइंट मतलब क्या रहेगा, एवरी ओपन स्पेयर सेंटर डैट ए कंटेंस एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन ए. मतलब उस ओपन स्पेयर में क्या रहना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए कैपिटल ए का अदर देन सेंटर. देन वी कैन से दैट स्मॉल ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिराइव्ड सेट. द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एज अ डिराइव सेट ऑफ कैपिटल ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश. सो डिराइव सेट मतलब क्या रहेगा, अगर किसी भी सेट का हमें डिराइव सेट निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हम उस सेट में करेंगे. ठीक है, सो सेट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एज अ डिराइव सेट. ठीक है, सो उस डिराइव सेट को हमने क्या, किससे डिनोट किया है, ए डैश है. मतलब ए का डिराइव सेट मतलब क्या रहेगा, ए डैश रहेगा, जिसमें सारे ए के क्या रहेंगे, लिमिट पॉइंट रहेंगे. देन वी कैन से दैट ए डैश इज अ डिराइव्ड सेट ऑफ कैपिटल ए. नेक्स्ट डेफिनेशन, क्लोज सेट. अ सबसेट एफ ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी इज सेड टू बी क्लोज्ड, सॉरी, अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी इज सेड टू बी क्लोज इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट दैट इज ए इक्वल्स टू ए डैश. सो देखिए, किसी भी सेट को हम क्लोज सेट कब बोलेंगे, मतलब क्या होना चाहिए, उस सेट के जो सारे लिमिट पॉइंट है वो क्या होने चाहिए, ए में ही होने चाहिए. देन वी कैन से दैट ए इज क्लोज. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट अगर डिराइव सेट और जो सेट दोनों इक्वल आ गए, देन वी कैन से दैट दैट सेट शुड बी क्लोज. मतलब क्या रहेगा, जो सेट का डिराइव सेट है अगर इक्वल्स टू ए आ गया, देन वी कैन से दैट दैट सेट शुड बी क्लोज. और इट ऑल्सो से दैट इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट. मतलब किसी भी सेट को क्लोज सेट कब बोलेंगे, जब उस सेट में उसके सारे लिमिट पॉइंट होने चाहिए. देन वी कैन से दैट दैट सेट शुड बी क्लोज. और वी कैन से दैट डिराइव सेट ऑफ सेट इज इक्वल्स टू द होल सेट, देन वी कैन से दैट द सेट शुड बी क्लोज सेट. ठीक है,